Android Pi 9.0 on Redmi Note 5 Pro. Hi friends, Siddharth here from technobuzz.net. आज हम फिर से एक रोम के साथ आए हैं जिसका रिव्यू हम पहले कर चुके हैं, बट उसका आज नया बिल्ड आया है. कुछ आपको नई चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलेंगी. इसका नाम है मैक AOSP, जो Android Pi 9.0 पे बेस्ड है. तो आज हम इसी रोम के बारे में बात करेंगे. तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपको वीडियो में क्या चीज़ अच्छी लगी है और क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी है. तो चलिए शुरू करते हैं. वीडियो को शुरू करने से सबसे पहले बताता हूँ, किसी भी कस्टम रोम को इंस्टॉल करने के लिए TWRP रिकवरी चाहिए होती है और आपका फ़ोन का बूटलोडर अनलॉक होना चाहिए. तो ये रोम भी आप तभी इंस्टॉल कर पाएंगे जब आपके फ़ोन में TWRP कस्टम रिकवरी इंस्टॉल्ड होगी. तो सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स में कि इस फ़ोन में क्या क्या आपको देखने को मिलता है अबाउट फोन सेक्शन में. तो देख पा रहे होंगे अबाउट फोन सेक्शन में यहाँ पे लिखा है MCAOSP. ये AOSP पे बेस्ड है. एंड्रॉयड वर्जन 9 है जो आप देख पा रहे हैं. रेड कलर में लिखा हुआ है साफ साफ अगस्त 5 2018 का सिक्योरिटी पैच लेवल है जो गूगल की तरफ से लेटेस्ट पैच है. और बिल्ड नंबर PPR1 है जो गूगल ने अभी कुछ दिनों पहले ही गूगल पिक्सल फोन के लिए रिलीज़ किया था. तो ये तो हो गया अबाउट फोन में. आप देखते हैं इसमें और क्या क्या आपको देखने को मिलता है और इसके क्या फीचर्स हैं. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कैमरे की. देखिए कैमरा इसमें जो है आपको प्री इंस्टॉल्ड नहीं मिलेगा, आपको गूगल कैमरा इंस्टॉल करना पड़ेगा. हमने इंस्टॉल किया है और वो ठीक तरीके से काम कर रहा है. अब आप नीचे जाके बोलेंगे गूगल कैमरे का लिंक दो, गूगल कैमरे का लिंक दो, तो आपको लिंक जो है हमारे टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसी पर लिंक मिलेगा. वहाँ पर आप आइए, हमारे साथ बात कीजिए, क्योंकि हर बंदे की नीड अलग होती है गूगल कैमरे की. तो सबके लिए अलग अलग गूगल कैमरा दो. तो मैं एक लिंक डाल के नहीं बोलूँगा कि ये अच्छा है या ये बुरा है. तो आपको वहाँ पर आइए और वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा. तो देखिए कैमरा आपके सामने मैंने स्टार्ट कर दिया है. वोल्ट इसमें काम कर रहा है. जियो का सिम और एयरटेल का सिम दोनों काम कर रहे हैं. मैं आपको सेटिंग्स में दिखा देता हूँ एक बार. सेटिंग्स में नेटवर्क और इंटरनेट, ये देखिए हमारा जो है एक मोबाइल जियो सिम है, एक एयरटेल है. वोल्ट इसमें ठीक तरीके से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है. मैं आपको कॉलिंग करके भी दिखा देता हूँ, बट कॉलिंग में सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि आपको जो है इसमें टाइमर नहीं दिखता है कि आपकी कॉल जो है कनेक्ट हुई है कि नहीं हुई है. देखिए जो 198 में कॉल कर रहा हूँ स्पीकर पर लगा देते हैं ताकि कनेक्ट हो जाए फ़ोन. ये देखिए फ़ोन हमारा कनेक्ट हो गया है, बट देखिए अब यहाँ पे टाइमर होता है ये कितने सेकंड हो गए हैं वो आपको इसमें देखने को नहीं मिल रहा है. वीडियो कॉल इसमें नहीं मिल रही है. आपको डायरेक्ट जो मिलती है डायलर पैड के अंदर वो आपको नहीं मिल रही है. तो आपने कॉल भी आप चेक कर ली है. आप देखते हैं बाकी फीचर इसके अंदर क्या क्या है. क्यों टॉगल्स आपको कुछ इस तरीके के देखने को मिलेंगे, ठीक है. इनका कलर आप चेंज कर सकते हैं सब कुछ. उसकी भी फाइल जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी. आपको सिर्फ अभी नीचे रोम का फाइल मिलेगी और जो गूगल ऐप्स जिसको इंस्टॉल करने साथ में वो आपको मिलेगी. गूगल ऐप्स इसमें अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं. देखिए प्ले स्टोर हमने ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है और सारे के सारे एप्लीकेशन हमने यहाँ से अपडेट कर दिए. तो अब सेटिंग्स में देखते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या और चीज़ें देखने को मिलती है. तो लेआउट कुछ इस तरीके का है सेटिंग्स पैनल का, आप देख पा रहे होंगे. नेटवर्क, इंटरनेट, कनेक्टेड डिवाइसेस, ऐप्स एंड नोटिफिकेशन, बैटरी भी देखते हैं क्या मिलता है. बैटरी में आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिलता है. बैटरी परसेंटेज को आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं. ऊपर आप बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं. तो और कुछ आपको इसमें देखने का मिलेगा नहीं बैटरी में. डिस्प्ले में आप देखते हैं आपको क्या क्या मिलता है. डिस्प्ले में इसमें को नाइट लाइट मिलती है, आपको इसमें वॉलपेपर्स मिलते हैं, स्क्रीन सेवर जो होते हैं, टैप टू वेक, कलर थीम, रेड डिवाइस थीम. देखिए ये जो कलर थीम का ऑप्शन है ये इस रोम के अंदर नहीं है. जो आप देख पा रहे होंगे हमने काफ़ी सारी कलर थीम कर रखी हैं. इसका होता क्या है फ़ायदा देख पाए मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखिए कलर थीम अभी जो हमारे जितने भी डॉट्स हैं ये सारे रेड कलर में हैं. इनको मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ से. चलो हम लाइट ग्रीन करते हैं. तो ये देखिए अब ये लाइट ग्रीन हो जाएंगे. इस तरीके से आप इनको चेंज कर सकते हैं यहाँ पे. तो ये जो है आपको रोम के अंदर की फीचर नहीं मिलता है. इसके लिए अलग से एक छोटी सी जिप फाइल है, इसको TWRP से फ्लैश करना है. जो नीचे भी लिंक लिखा हुआ आ रहा है टेलीग्राम का हमारे ग्रुप का, उसमें आपको वो फाइल मिल जाएगी. आप वहाँ से आके हमसे ले सकते हैं. फॉन्ट साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, डिस्प्ले साइज छोटा कर सकते हैं. मैंने डिस्प्ले साइज जो है छोटा कर रखा है इस टाइम पे. डिफॉल्ट से मैंने स्मॉल कर दिया, मुझे स्मॉल में ज़्यादा पसंद है. एम्बिएंट डिस्प्ले ऑफ कर सकते हैं. और एक Xiaomi का डोज फीचर इसके अंदर उन्होंने ऐड किया है. तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको इसके अंदर डिस्प्ले में मिलती हैं. साउंड पैनल देखते हैं. साउंड में आपको चार ऑप्शन मिलते हैं, मीडिया, कॉल, रिंग, अलार्म. ये ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, इसमें कोई इशू नहीं आ रहा है. उसके बाद हम चलते हैं सीधा सेकंड लास्ट ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप, MCAOSP सेटिंग्स. ये फीचर जो था पहले इनके रोम में था बट उसमें कि काम नहीं करता. अब इन्होंने कुछ छोटे मोटे चेंजेस इसके अंदर कर दिए हैं और आने वाले टाइम में आपको और भी इसके अंदर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं. तो इसके अंदर आपको जो सेटिंग्स मिलती हैं, डिस्प्ले मिलती है, लॉक स्क्रीन, क्विक सेटिंग्स पैनल, नोटिफिकेशन बटन्स, पावर मेनू और जेस्चर भी मिलती हैं. तो डिस्प्ले में आपको क्या मिलेगा, कुछ ज़्यादा नहीं, वेकअप ऑन चार्ज मिलेगा, ठीक है.
लॉक स्क्रीन में भी आपको ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, सिर्फ बोलेगा क्विक अनलॉक स्क्रैम्बल लेआउट जो होता है वही, जैसे कि क्विक अनलॉक का फीचर है, अनलॉक ऑटोमेटिकली व्हेन द करेक्ट पिन पासवर्ड एंटर, इस तरीके से मिलेंगे। मीडिया कवर आर्ट मिलेगा, यानी कि लॉक स्क्रीन के ऊपर जब भी कोई गाना प्ले हो रहा होगा तो उसका कवर जो होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर रहा होगा लॉक स्क्रीन के ऊपर, तो ये देखने को मिलेगा। क्विक सेटिंग पैनल में जो क्विक पुल डाउन ऑप्शन मिलता है आपको, सिर्फ नोटिफिकेशन में आपको क्या मिलता है, फोर्स एक्सपेंडेड नोटिफिकेशन मिलती है, नोटिफिकेशन लाइट्स मिलती हैं, बैटरी लाइट मिलती है, बैटरी फुल चार्ज, उसकी भी नोटिफिकेशन लाइट्स आप चेंज कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं सॉरी। वॉल्यूम रॉकर मिलते हैं बटन्स के अंदर, कि देखिए वॉल्यूम रॉकर से क्या हो सकता है, वॉल्यूम रॉकर से आप चीज़ें कर सकते हैं, देख प्रेसिंग द वॉल्यूम की विल वेक योर डिवाइस, यानी कि पावर के बटन से तो आपका फोन वेक होता ही है, आप वॉल्यूम के बटन से भी कर सकते हैं, म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं, जो कुछ भी करना चाहें इसमें आप कर सकते हैं वॉल्यूम रॉकर बटन के साथ। अब देखते हैं पावर मेनू में, पावर मेनू में बड़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो है आप इनेबल कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये सारी सेटिंग्स मैंने पावर मेनू में इनेबल कर रखी है। ये देखिए सारे के सारे पावर ऑफ को मिलता है, रिस्टार, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्ड, सेटिंग्स, लॉकडाउन सब मिल जाता है आपको इसके अंदर, तो ठीक है ये सारी चीज़ें आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल जो भी करना चाहें कर सकते हैं। जेस्चर्स में आपको क्या मिलता है, जेस्चर में देखिए डबल टैप टू स्टेटस बार पे आपको मिलता है कि वेकअप हो जाता है, और डबल टैप टू थर्ड बॉटम शॉर्टकट जो है वो भी आप कर सकते हैं, इसके अंदर थ्री फिंगर जेस्चर्स हैं उसको भी आप इनेबल कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देख लेनी है, जेस्चर्स वगैरह जो जो आप इनेबल करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अब जैसे जब मैंने इनेबल कर रखा है DTS ऑन स्टेटस बार, अब इसमें क्या होगा देखिए, मैं स्टेटस बार पे टैप करूँगा डबल टैप, फिर जो है हमारा डिवाइस जो है स्लीप मोड पे चला जाएगा, यानी कि स्क्रीन जो है ऑफ हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से ये फीचर काम करता है, तो जो जो फीचर आपको इनेबल करने हैं आप इसको इजीली कर सकते हैं यहाँ से, तो ये सब आपको इनके मैक ओएस के सेटिंग्स में मिलता है। अब आप बोलेंगे ऐसा जो नीचे लेआउट है आपको नेविगेशन बार का, जिससे आप रिसेंट टैब्स को मूव या खोल सकते हैं या कुछ इस तरीके का, ये आपको कैसे मिलेगा देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको भी आपको क्या करना है, इसको भी सेटिंग्स में जाके आपको सिस्टम में जाना है, सिस्टम में जाके जेस्चर्स में जाना है, और ये जो स्वाइप ऑन होम बटन है इसको इनेबल कर देना है। इसको इनेबल करेंगे तो आपको इस तरीके की नेविगेशन बार मिलेगा, अगर डिसेबल कर देंगे तो आपको जो ओरिजिनल आपका रेडमी नोट 5 प्रो का होता है वो देखने को मिलता है। तो मैं इसको इनेबल रखूंगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये, इसे काफ़ी फीचर्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको जैसे आप स्वाइप करेंगे तो आपको सारा रिसेंट बैर जो सॉरी रिसेंट बार जो आपके डिस्प्ले पर आ जाता है ईजिली, और इसके और भी काफ़ी सारे फायदे हैं। जैसे आप रिसेंट बार पर हैं, आप एप्लीकेशन आइकन पर टैप करेंगे आपको ऐप इन्फो स्प्लिट स्क्रीन मिलती है, तो स्प्लिट स्क्रीन पर करेंगे हम और स्प्लिट स्क्रीन जो है हमारा काम करना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारे फीचर आपको एंड्रॉइड पाई के अंदर देखने को मिलते हैं, जो काफ़ी अच्छे फीचर हैं। तो और भी चीज़ देख लेते हैं सेटिंग में कि आपको इस रोम पे अपडेट मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो ये देखिए अबाउट फोन में इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया है, अबाउट से इन्होंने अपने फ़ोन के बारे में मेंशन किया है कौन सा वर्जन है कौन सा वर्जन नहीं है। तो आपको इसके अंदर अपडेट तो मिलेंगे, बट आपको जो है फुल रोम जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा, OTA नहीं मिला करेगा आपको, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आप सोचें कि जैसे आपको OTA फाइल्स मिलती हैं तो वो नहीं मिलेगा, आपको फुल रोम्स मिला करेंगे जो आपको इंस्टॉल करने हैं इनकी साइट से या हमारे ग्रुप पर आके आप आपको जिप फाइल जो है दे दिया करेंगे, जहाँ से आप इनको चेक कर सकते हैं। तो आप कुछ और चीज़ें चेक करते हैं कि सेफ्टी नेट जो है इसमें पास है कि नहीं, तो उसके भी मैं दिखा देता हूँ। सेफ्टी नेट जो है इसमें रन टेस्ट करते हैं तो वो इसमें पास नहीं है, आप देख पा रहे हैं फील्ड है। तो इसके लिए आपको जो है मैजिस को इंस्टॉल करना पड़ेगा और मैजिस में जाके हाइड करना पड़ेगा जो जो एप्लीकेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है सेफ्टी नेट में स्टेटस में, तो आप उनको मैजिस के थ्रू ठीक कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ देखते हैं इसमें कैमरा टू API जो है इनेबल्ड है कि नहीं, तो मैनुअल कैमरा एप्लीकेशन से मैं आपको वो भी चेक करा देता हूँ। देखिए स्टार्ट में जाके कैमरा टू API इनेबल, तो डायरेक्टली आप इसके अंदर गूगल कैमरे को यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। ये देखिए गूगल कैमरा जो है हमने इंस्टॉल कर रखा है और ये ठीक तरीके से काम कर रहा है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अब देखते हैं इसका बेंचमार्क स्कोर क्या मिला है, इसको बेंचमार्क स्कोर दिखाता हूँ आपको इसका। तो ये जो बेंचमार्क स्कोर मिला है इसको 12269, ठीक है। तो इससे आपको पता चल गया अंदाज़ा कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि बेंचमार्क स्कोर दिखा दे करो, तो वो भी मैंने आज आपको दिखा दिया है। तो एक तरीके से देखा जाए रोम काफ़ी स्टेबल है, सारी चीज़ें ठीक तरीके से काम कर रही हैं, कॉलिंग भी ठीक तरीके से काम कर रही है, वाईफाई भी ठीक तरीके से काम कर रहा है, ब्लूटूथ वगैरह सब ठीक तरीके से काम कर रहा है, कोई इशू नहीं आया है। आपको इसके अपडेट जो मिलेंगे जिप फाइल मिला करेगी और कुछ नहीं, ज़्यादा एप्लीकेशन आपको देखने को नहीं मिलते हैं इसके अंदर। आपको गूगल प्ले स्टोर में जाके सारे के सारे एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है, और जो आइकन्स हैं वो भी आपको इस तरीके के नहीं मिलेंगे। ये आइकन्स मैंने इसके इनेबल कर रखे हैं, एक पिक्सल लॉन्चर आता है उसके थ्रू मैंने इसको इनेबल कर रखा है, दिखा देता हूँ कैसे इनको इनेबल करते हैं। टैप करते हैं थोड़ी देर इस होम सेटिंग्स में, होम सेटिंग्स में देखिए आइकन पैक का आपको ऑप्शन मिलता है, जो मैं आइकन पैक यूज़ कर रहा हूँ वो है AGOS आइकन पैक। तो आप यहाँ से आइकन की थीम जो है चेंज कर सकते हैं, आइकन पैक को चेंज कर सकते हैं सॉरी। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है, तो इंस्टॉल करने के लिए आपको इसकी दो फाइलें चाहिए रोम के लिए, एक तो इस रोम की जिप फाइल और गूगल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए उसकी GApps की जिप फाइल। उसके बाद अगर आपको दो चीज़ें और इसमें इंस्टॉल करनी है, गूगल कैमरा APK
और एक जो मैंने आपको थीम का दिखाया था जिसमें रेड हम ग्रीन कर सकते हैं, उसके लिए भी एक जिप फाइल है, वो आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी, वो दोनों फाइलें। तो दोनों फाइल जो रोम और इसकी जिप फाइल है गूगल ऐप्स की, वो हमने सेव कर ली अपने फ़ोन में। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, फाइल मैनेजर में है वो रोम फाइल MCAOSP और ये बिट जे ऐप्स जो कि गूगल एप्लीकेशन की जिप फाइल है। अब हमको क्या करना है, अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना है और TWRP मोड पे लेके आना है। तो फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं पहले, और उसके बाद TWRP मोड पे आपको लेके आना है, पावर का बटन प्रेस करना है और वॉल्यूम अप का। तो ये देखिए ये वॉल्यूम अप का बटन है, हमने सॉरी आज हमने इसमें अपना कवर लगा रखा है जिसका रिव्यू हमने कल किया था, काफ़ी अच्छा कवर है। आप इसको लेना चाहते हैं तो अमेज़न पे जाकर इसको ले सकते हैं, इसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा। तो क्या करना है, वॉल्यूम अप का जो बटन है ये वाला बटन आप उसको थोड़ी पहले प्रेस कर रखेंगे, फिर पावर के बटन को थोड़ी देर प्रेस करेंगे, दोनों बटनों को एक साथ, और थोड़ी देर में आपका फ़ोन जो है वाइब्रेट करेगा और आपका फ़ोन जो है TWRP मोड पे आ जाएगा। जैसे ही TWRP मोड पे आएगा आपको वाइप करना है, अगर आप MIUI 9 या MIUI 10 से आ रहे हैं इस रोम के ऊपर तो आपको फॉर्मेट डाटा भी करना पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूँ बैकअप ज़रूर ले लीजिएगा क्योंकि बैकअप सारी फाइलें आपकी डिलीट हो जाएंगी। वाइप पे जाएंगे, एडवांस वाइप पे जाएंगे, डाल्विक कैश, कैश डाटा सिस्टम वेंडर इन सबको करेंगे और स्वाइप टू वाइप कर देंगे। इसके बाद सिर्फ जो है रोम की फाइल सेलेक्ट करनी है आपने, इंस्टॉल यदि MacOSP कन्फर्म टू फ्लैश। अब देखिए थोड़ी देर में जो है सारी की सारी फाइलें सिस्टम फाइल वेंडर फाइल जो भी होती हैं सिस्टम की उन सबको आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद जो आपको जी एप्स है उसकी जिप फाइल को फ्लैश करना है, दैट्स इट। अगर आप थीम में चेंजेस करना चाहते हैं तो एक जिप फाइल और है उसको भी आपने इंस्टॉल कर लेना, उसका लिंक हमारे जो है ग्रुप में मिल जाएगा आपको। ये देखिए मोस्टली जो है फाइल कंप्लीट हो चुकी है, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई आ रही है, क्या क्या हो रहा है देख पा रहे हैं आप, सिक्योरिटी पैच कौन सा है, बिल्ड डेट जो है कौन सा है, कितने तारीख को बना है, ये सारी चीज़ें हैं। ये 19 का ही यानी आज सुबह ही रिलीज़ किया गया है। तो ये देखिए अब जो वेंडर फाइल हो रही है या फ्लैश सिस्टम हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को तो दिखते रहिए, अभी मोस्टली ही कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है आपको, फिर से बैक करना है इंस्टॉल पे। अब जो जी एप्स की फाइल थी उसको सेलेक्ट करेंगे, स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश कर देंगे, और उसके बाद जो है जी एप्स की फाइल भी आपके फ़ोन फ्लैश हो जाएगी। अब जो तीसरी फाइल जिससे हमें थीम्स का कलर चेंज करते हैं वो भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ये है सिस्टम SNP का, इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं, दैट्स इट। अब ये इंस्टॉल हो गया है। अब क्या है, अगर आप MIUI 9 से या MIUI 10 से आ रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, वाइप में जाके फॉर्मेट डाटा करना पड़ेगा। अगर आप फॉर्मेट डाटा नहीं करेंगे तो लॉक स्क्रीन पर जाके आपका फ़ोन जो है स्टक हो जाएगा। अगर आप किसी और कस्टम रोम से आ रहे हैं, आपने ऑलरेडी फॉर्मेट डाटा कर लिया है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं करूँगा नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा डाटा फिर से डिलीट हो। हाँ मैं फिर से बता रहा हूँ, आप MIU 9 या MIU 10 से फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इस रोम पे तो आपको फॉर्मेट डाटा करना पड़ेगा, तो ये याद को याद रखनी है। आपको क्या करना है, रीबूट सिस्टम डू नॉट इंस्टॉल। अब थोड़ी देर में आपका फ़ोन बूट होएगा और आप जो है Android 9 Pie के जो लेटेस्ट वर्जन है MacOSP का उस पर रन कर पाएंगे। देखिए अब जो है आपका फ़ोन थोड़ी देर में बूट करने का लगा, बूट स्क्रीन आ गई है, आपको ऐसे कुछ लोगों देखने को मिलेगा, आप सिम वगैरह सेलेक्ट करते हैं और हमारा फ़ोन जो बूट हो गया है। अब जो है आप इस रोम के सारे फीचर्स जो है अपने फ़ोन में इंजॉय कर सकते हैं, ठीक। तो यही कुछ चीज़ें थी जो आपको बताना चाहता था, कोई भी आपको डाउट लगता है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आके हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।